आइए आज हम लोग देखते हैं गाड़ी चलाना सिर्फ 5 मिनट में कितना आसान है। गाड़ी चलाना हम लोग के मन में क्वेश्चंस आता था कि इतना बड़ा गाड़ी है कैसे चलाएं, बट बहुत आसान है। इवन कि ये 2-व्हीलर से भी ज़्यादा आसान है, इस मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ 4 चीज़ों का यूज़ है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर एंड गियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मोटरसाइकिल की तरह है। अगर आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं तो सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो है आपका लेफ्ट वाला ये क्लच है, फिर ये ब्रेक है और फिर ये एक्सेलेटर है। क्लच का यूज़ है जब आप गियर चेंज करते हो तो आप क्लच दबा के करना होता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ता है। ब्रेक दबाते हो तो क्लच का यूज़ करके ही, मिला के ही आपको क्लच मारना पड़ता है। फिर सेकंड वाला ब्रेक है, ब्रेक से ब्रेक लगता है, एक्सेलेटर से गाड़ी आगे बढ़ता है। ओके, हियर इज़ गियर, गियर बॉक्स। गियर में हम लोग सीखते हैं गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग को गाड़ी को न्यूट्रल में चेक करना होता है, गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं। न्यूट्रल में आप देखोगे यहाँ पे जो बीच वाला लाइनिंग है ये न्यूट्रल लाइन है, तो आप चेक करोगे पहले न्यूट्रल में है कि नहीं। आप ऐसे बीच में लाओगे गाड़ी, न्यूट्रल में चेक करने का तरीका है, गाड़ी आपका अगर हॉरिजेंटली इस तरह से फ्री है तो ये न्यूट्रल में है। तो आप गाड़ी में जब भी बैठोगे तो आपको न्यूट्रल चेक करना होगा, गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं है। और आपको यहाँ पे एक लेग ब्रेक, ऐसे जनरली हम लोग गाड़ी जब बंद करते हैं तो उठा देते हैं, आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि ये नीचे की ओर है कि नहीं है। तो हम लोग इसको नीचे की ओर कर लेंगे, फिर न्यूट्रल चेक कर लेंगे कि न्यूट्रल में है कि नहीं है। सपोज़ कि हम लोग गियर में था, कोई भी गियर में था और गाड़ी बंद है, हम लोग आएंगे पहले चेक करेंगे कि गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं, तो इसको बीच की ओर लाएंगे। अब देखो ये न्यूट्रल में है कि नहीं है, हम लोग लेफ्ट और राइट की ओर देखेंगे, एकदम फ्रीली जा रहा है बॉडी ये गियर, तो देखेंगे ये न्यूट्रल है। इसके बाद हम लोगों ने चेक कर लिया कि न्यूट्रल है, आइए फिर से देखते हैं। गाड़ी में आए, यहाँ पे जानते ही हम लोग क्लच, ये ब्रेक, एक्सेलेटर और यहाँ पे ये गियर। इसके बाद गाड़ी हम लोगों ने न्यूट्रल चेक कर लिया, गाड़ी है न्यूट्रल में है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग का गाड़ी की गियर कैसे चेंज होता है। तो गियर जब भी चेंज करेंगे तो हम लोग पूरा ये क्लच जो है, क्लच पूरा प्रेस करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऐसे है ऊपर की ओर, लेफ्ट करेंगे ये ऊपर फर्स्ट हो गया। फिर जब भी हम लोग गियर चेंज करेंगे तो पूरा क्लच दबाएंगे और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगा। फिर सेकंड करना है, क्लच पूरा दबाएं ऐसे पीछे की ओर किए सेकंड। फिर थर्ड ऐसे है तो ऐसे हम लोग गए, ये ऊपर की ओर गया, थर्ड हो गया। फिर फोर्थ पीछे है, पीछे किए फोर्थ, देन फिफ्थ ऐसे है, फिफ्थ न्यूट्रल में लाना है। आपका किसी भी गियर में हो बीच में आप लाओ पूरा क्लच प्रेस करके, ये देखो आपका ये न्यूट्रल में है, पहचान न्यूट्रल का, लेफ्ट राइट फ्रीली जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं गाड़ी स्टार्ट करना। सबसे पहले हम लोगों ने पहले क्लच हम लोग पूरा प्रेस करेंगे यहाँ से ऐसे, उसके बाद हम लोग चाबी ऑन करेंगे। चाबी जब भी लगाएंगे हम लोग पूरा क्लच दबाएंगे, चाबी दिए गाड़ी स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम लोग क्लच दबाए रखेंगे, फर्स्ट गियर लेंगे, पहले लेफ्ट की ओर फिर ऊपर की ओर आगे की ओर। इसको फिर से नॉर्मल करके देखते हैं न्यूट्रल में, देखिए ये न्यूट्रल है, अभी गाड़ी स्टार्ट है आपका न्यूट्रल है। क्लच हम लोग पूरा प्रेस करेंगे, गाड़ी क्लच पूरा प्रेस करेंगे, फर्स्ट गियर ऐसे लेंगे, अब देखो आप गाड़ी आगे की ओर जाएगा, गाड़ी आगे की ओर आपका जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, गाड़ी आगे की ओर जा रहा है, आप देख रहे हो। ये हम लोगों ने फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाना सीख लिया, फर्स्ट गियर पे गाड़ी आगे जा रहा है। अगर हम लोग क्लच पूरी तरह से छोड़ देंगे, देखिए मैंने क्लच छोड़ रखा है पूरी तरह से, गाड़ी जा रहा है धीरे धीरे, बहुत आसान है। फिर से हम लोग फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाना सीख लेते हैं।
हम लोग न्यूट्रल पे लाना हो तो बीच में ऐसे करेंगे, न्यूट्रल पे आ जाएगा। अब गाड़ी हम लोग बंद करते हैं। देखिए गाड़ी बंद किया मैंने, आपको गाड़ी स्टार्ट करना हो, गाड़ी चालू करना हो, गाड़ी बढ़ाना हो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से की ऑन करेंगे, देन क्लच ऐसे दबाएंगे पूरा, फिर गाड़ी का की ऑन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट गियर हम लोग लेंगे, देखो अब आप गाड़ी धीरे धीरे हम लोग क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगा। फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, आप बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है गाड़ी फर्स्ट गियर की ओर, फर्स्ट गियर में गाड़ी आगे बढ़ रहा है, बहुत आसान है। हम लोग ऐसे करेंगे गाड़ी इस लेफ्ट की ओर करेंगे स्टेयरिंग, गाड़ी लेफ्ट की ओर जाएगा, देख रहे हो गाड़ी स्टेयरिंग लेफ्ट की ओर जा रहा है, राइट की ओर करेंगे तो स्टेयरिंग राइट की ओर जाएगा, स्टेयरिंग लेफ्ट की ओर करोगे तो लेफ्ट की ओर जाएगा। अभी हम लोग को राइट में मोड़ना है, हम लोग राइट में मोड़ रहे हैं, गाड़ी फर्स्ट गियर में भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग गाड़ी सेकंड गियर में लेते हैं, पूरा क्लच दबाएंगे। यहाँ से देखो गाड़ी पीछे की ओर लेंगे, गाड़ी सेकंड गियर में आ गया है, राइट में मोड़ना है हम लोग को, राइट में स्टीयरिंग लेंगे, गाड़ी सेकंड गियर में है, थोड़ा रेस में है। एक्चुअली फर्स्ट गियर जो होता है ना वो गाड़ी को सिर्फ बढ़ाने के लिए होता है, फिर सेकंड गियर में गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर हम लोग अपने मुताबिक गाड़ी चेंज करते हैं। अभी सेकंड गियर में है, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड है इसलिए हम लोग सेकंड गियर से ज़्यादा थर्ड गियर पे नहीं जा सकते हैं। तो आपने आज देखा कि फर्स्ट गियर पे गाड़ी कैसे चलता है, फिर सेकंड गियर पे गाड़ी कैसे चलता है, इसी तरह से थर्ड भी है फोर्थ भी है। जब भी हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो गियर चेंज सबसे पहले की ऑन करेंगे, फिर हम लोग गियर बॉक्स चेंज करेंगे, गियर गाड़ी को न्यूट्रल में होना चाहिए, देन न्यूट्रल मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली गाड़ी न्यूट्रल में रहता है लाइन यहाँ से, फिर हम लोग क्लच पूरा प्रेस करेंगे, फिर फर्स्ट गियर लेंगे, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगा।